तो यहाँ की लस्सी ट्राई करना है। ये जो लस्सी शॉप है 65-60 ईयर ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है और अच्छी लस्सी देती है। ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को जो है सपोर्ट करो, और अच्छी बात है चाचा के पास ग्राहक भी है, बंदे ठहरे हुए हैं ऑलरेडी, चाचा ऑमलेट बना रहे हैं वहाँ पे। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज मैं जो है थोड़ा सा मार्केट जाने वाला हूँ, तो मार्केट आज गुलबर्ग की जो एक्सप्लोर करेंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं मार्केट में। फ़िलहाल तो मैं यहाँ से दोस्त के पास जा रहा हूँ, दोस्त को पिकअप करना है, वहाँ से साथ में लेके जाना है भाई को। तो कहाँ जा रहा हूँ, क्या क्या एक्सप्लोर कराने वाला हूँ, पूरी वीडियो में बने रहो, आप लोगों को पता चलता। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ यार, परसों पानी ठहरा हुआ, पूरी रोड फटने लगा है। ऐसा कर रहे हैं भाई के घर के सामने खड्डा को, पूरा बारिश का पानी ठहर रहा था, पूरी रोड फटने लगा रहे भाई। मेरा पावर चलते थी, अरे नहीं मेरा क्या भी नहीं है। आओ जी, चलो आओ जल्दी। मार्केट तो पहुंच गए थोड़ा भाई जो है, क्योंकि गुलबर्ग की धूप नेक्स्ट लेवल है। गुलबर्ग की धूप क्या बोल रही भाई, से पूछेंगे इंजीनियर साहब, धूप क्या बोल रही गुलबर्ग की। हर बार जो है रायचूर की धूप जो है टॉप पे रहती थी, इस बार जो है गुलबर्ग का इतना ज़्यादा है, पूरे कर्नाटक का रिकॉर्ड तोड़े गुलबर्ग की धूप जो है। तो इसीलिए जो है भैया पीछे लग रहा है, चलता रास्ता बंद हो गया देखो। हाँ चलता अभी तो गाड़ी आड़े तेड़े लगा ऐसा नहीं लग रहा, ठीक है छोड़ा रंडे। तो इसी बात पे लस्सी पीना है मेराज लस्सी, तो हम लोग लस्सी यहाँ पे ट्राई करने वाले हैं, मेराज लस्सी। यहाँ के लस्सी की अच्छी बात यह है, यहाँ पे आप लोगों के सामने जब का जब बना के देते हैं लोग। ये है लस्सी, फुल खवा दही हर चीज मिक्स है इसमें। तो यहाँ की लस्सी ट्राई करना है। ये जो लस्सी शॉप है 65-60 ईयर ओल्ड है, काफ़ी पुरानी है और अच्छी लस्सी देती है। आप लोगों ने ट्राई कराए तो कमेंट करके, तो आपको कैसी लगी। कहाँ है लोकेशन इसका? लोकेशन ऑलमोस्ट सबको मालूम होगा, मार्केट में बस मारे जिद के करीब में, सुई ज़्यादा रहती है अच्छी है। क्या बोल रहे हैं इंजीनियर साहब, सेम अच्छी है। यहाँ पर देख लो लस्सी का रेट लिखा हुआ है, फुल जो है आप लोगों को 60 रुपीज गिलास मिलती है, हाफ गिलास जो है 35 रुपीज। फेमस लस्सी तो हो गई, अब थोड़ा सा काम कर लेने के लिए निकले हम मार्केट में। काम होने के बाद और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं आप लोगों को मैं बताता हूँ, आप लोग वीडियो में बने रहो। और आज क्या है ऐसा ज़्यादा दिख रहे ना मार्केट में, शाशुंबे का बाज़ार, शाशुंबे का बाज़ार कहते हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, गुलबर्ग में हफ्ते का बाज़ार रहता। ये क्या है, कहरा दिख रहा नहीं, आप लोग कमेंट करके बताओ क्या है। तो अभी है फिलहाल जो है इंडियन स्वीट, शाम के टाइम खाली थी, दिन में खाली नहीं मिलती। अस्सलाम वालेकुम। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ, और एक चीज़ तुम्हारे को नहीं मालूम, मैं अंदर चलो खिलाता हूँ। ये जो समोसे दिख रहे हैं ना, यहाँ पे जो है आलू का समोसा मिलता जो कि 7 रुपीज में, अंदर खट्टा दाल के मिर्ची के साथ। लो बस ट्राई करो कैसा है, उसके बाद बोलो। क्या कर रहे हैं, शुरुआत भी खत्म दिख रहा है भाई जी, रहता
बंदा डाले ना फिर खट्टा। कौन सा चिकन का है? आलू का है, 7 रुपीज। आलू नहीं दिख रहा अंदर। मैं इसलिए ले गया हूँ तुम्हारे, काफ़ी फेमस है इंडियन स्वीट है और बहुत सारे स्वीट्स भी मिलते हैं जो कि अच्छे हैं। रिसेंटली तो हम पहले भी लाया था, कैसे थे आपको देखो बता दी। कैसा अच्छा है? आलू मिसिंग थोड़ा है, कम पैसों में सब। यहाँ पर देखो पब्लिक कैसी है। इंडियन स्वीट जो है काफ़ी फेमस है स्वीट के लिए। बड़ा जामुन है देखो, देखिए तो बड़ा खाना फिर खाली तुम बोले बिल्कुल बड़ा खाना नहीं है, छोटा खाना अलग है। कागज में डाल के दे रहा तुम यही खा रहे ना पार्सल है जो डब्बे में देते। ये जो इंडियन स्वीट शॉप है 25 से 30 साल पुरानी शॉप है। यहाँ पे समोसा मिलता है जो कि 7 रुपीज़ में आलू का, काफ़ी अच्छा रहता है, एक बार ट्राई करो। और स्वीट जो है काफ़ी सारे वैराइटीज़ के स्वीट्स मिलते हैं, पेड़े में मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं। अगर आप लोग कभी मार्केट में आप लोगों को स्वीट लेना है तो यहाँ से भी आप लोग लेके जा सकते हैं। अब जो है कामों के बाद फ्री हुआ हूँ, थोड़ी सी मेरे को अब इवनिंग का टाइम मतलब मगरिब का टाइम चल रहा, थोड़ी सी क्रेविंग हो रही, तो अब जो है मैं गुलबर्गा की सबसे तेज़ पानी पूरी हम लोग बोल सकते हैं, कहीं भी नहीं मिलती वैसी, एजे भाई को साथ लेके जाने लगा बगैर बोले वो पानी पूरी खिलाने के लिए। देखते हैं इनका रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। क्या खा रहे हैं अकेले अकेले? चलो थोड़ा जाओ, खाना है कहाँ पे जी? बोलता हूँ चलो, शादी हाँ पड़ता था कौन दे क्या बिना खाए की जान ले, इसलिए उठा कर लेने जा रहा मैं तुम्हारे, थोड़ी बहुत भूख रही तो भी चलता, नहीं भी रही तो चलता। उठा को ले जाने के काम जल्दी करो, शादी चाहिए टॉपिक पहले जहाँ जाना है वहाँ ले को जा रहा हूँ, उसके बाद देखेंगे। चलो चलिए चले चले। सही बोलो, घर से क्या बजे को निकले थे तुम? तुम पढ़े थे? पता नहीं अजय भाई क्या करे हमारे साथ, मोए मोए हो गया क्योंकि मैं इतना इससे बोल के लाया था, मतलब हिंदू तो नहीं आप लोगों को बुलाता हूँ, गुलबर्गा की सबसे तेज पानी पूरी बोल के। लोकेशन पे तो मैं हूँ, मतलब बंडी सी है पानी पूरी की। तब नेक्स्ट कैसा पानी पूरी की बंडी तो नहीं है, खाना है क्या खिला रहे हैं जल्दी बोले, ध्यान दे आप। हाँ अगर ऐसा कुछ फेमस खाना है तो काम करेंगे, हिंदी कॉलेज के पास जाएंगे। हाँ ऐसी चटपटी चीज़ें हैं, वड़ा पाव है, बहुत कुछ है, जाएंगे देखेंगे। मेरी मर्ज़ी करते, मेरे को ऐसी चीज़ें होना है, क्रेविंग हो रही, पानी पूरी तो नहीं हुई, देखेंगे क्या ट्राई कर सकते हैं आप लोग, वीडियो में बनेगा जिस तक। अब जो है सब जगह से फिर के कहीं भी कुछ भी नहीं मिला, तो मैं जो है हिंदी कॉलेज के सामने हूँ, अपोजिट में एक चाचा है, यहाँ पे एग राइस और ऑमलेट मिलता, हम लोग जो है ऑमलेट ट्राई करने वाले हैं, देखेंगे कैसा है। ऐसे स्मॉल बिजनेसेस को जो है सपोर्ट करो, और अच्छी बात है चाचा के पास ग्राहक भी है, बंदे ठहरे हुए हैं ऑलरेडी, चाचा ऑमलेट बना रहे हैं वहाँ पे। ये हमारा ऑमलेट आ चुका है, लियो साहब। फुल गरम है माशाल्लाह, धुआं निकल रहा है।
डेली खा ले होंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे इसको, बहुत ज्यादा गर्म है। अच्छा है भाई ऑमलेट चाचा, मस्त बने, एक नंबर बने। डबल एग बोलने का फायदा यह है, ज्यादा अंडा मस्त। वो अच्छी चीजें याद रहती बोलते ना हमेशा, वैसा देखो कैसा उठा ले रहे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा आमलेट था। चाचा की जो है एड्रेस बता दिया हमें उनकी बंडी कहाँ पे लगती, लोग भी अगर ये साइड आ रहे हैं अन्नी कॉलेज के साइड, तो एक बार ट्राई करो, क्योंकि स्मॉल बिजनेस को हम लोगों को सपोर्ट करना है। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताओ। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें। तो चलो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।